नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर रमन कुमार ने हमसे ये पूछा था कि भाई आजकल जो ये YouTube के व्यूज़ हैं ये काफ़ी कम क्यों आ रहे हैं, क्या YouTube का कोई बग है या कोई और प्रॉब्लम है या फिर हमारे YouTube चैनल में ही कोई प्रॉब्लम है। तो इधर मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा जिस भाई ने हमसे ये क्वेश्चन किया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, मैं आपको डिटेल में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हम इस वीडियो में बात कर रहे थे, जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि भाई आजकल जो YouTube पर व्यूज़ कम आ रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने भी देखा होगा कि अगर आप एक यूट्यूबर हो, आपके YouTube वीडियोस पर 2 से 3 के व्यूज़ आते हैं, तो वो आज की डेट में 1 के व्यूज़ ही आ रहे हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा व्यूज़ जो है वो गिर चुके हैं, काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं पहले के मुकाबले। उसके पीछे जो रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि अगर आप टेक्निकल रिलेटेड चैनल है आपका, अगर आप टेक की वीडियोस बनाते हो, तो आपने कोई और कैटेगरी की वीडियो बनाई है, किसी और कैटेगरी को आपने पिक करके उस पर वीडियो बना के अपलोड किया है, तो हो सकता है उस कारण आपकी जो ऑडियंस है वो व्यूज़ कम आ रहे हैं, ऑडियंस को आपका जो कंटेंट है वो आपकी कैटेगरी से जो अलग आपने काम किया है वो पसंद ना आया हो। एक तो ये रीज़न हो सकता है टेक्निकली, और दूसरा जो बेसिकली रीज़न है जो कि सारे यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है, वो ये है कि आज की डेट में IPL चल रहे हैं, और ऐसे कोई ही पर्सन होंगे, खास करके जो यंग एज के लड़के हैं लड़कियां हैं जो कि 18 साल से लेके 25-30 उम्र की हैं, तो उनको IPL का काफ़ी क्रेज़ होता है, चाहे वर्ल्ड कप हो चाहे क्रिकेट का कोई भी मैच हो, तो हम इंडियंस को तो काफ़ी क्रेज़ होता है क्रिकेट का। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो IPL का मैच आता है वो करीब करीब 7:30 से स्टार्ट होता है, अगर एक मैच होता है तो वो शाम को 7:30 बजे होता है, अगर 2 मैच होते हैं तो वो शाम के 5:30 या फिर 3:30 बजे स्टार्ट होता है। तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि व्यूज़ काफ़ी कम आते हैं, क्योंकि वही टाइम होता है जब हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम होता है, हम अपना फ़ोन जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं, काफ़ी ब्राउजिंग करते हैं या फिर हम YouTube देखते हैं, तो उस टाइम जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो IPL में होता है। काफ़ी जो ऐसे आजकल के युवा हैं, जो यंग एज हैं, वो क्या करते हैं कि उस टाइम पे IPL का उनको क्रेज़ होता है, तो वो YouTube वीडियोस देखने की बजाय IPL देखते हैं। और दूसरा जो बड़ा कारण है कि जैसे आपको पता होगा, अगर आप Jio का सिम यूज़ करते हो तो आपको 1 GB per day या फिर 1.5 GB per day मिलता है, या फिर आप Idea, Vodafone, Airtel कोई भी आप सिम यूज़ करते हो तो आपका यही प्लान यूज़ होता होगा, या फिर 1 GB per day या फिर 1.5 GB per day या फिर 2 GB per day, तो वो डाटा तो हमारा IPL देखने के लिए चला जाता है। तो इस वजह से भी कुछ लोग क्या करते हैं कि YouTube की वीडियोस कम देखते हैं, वो अपना डाटा को सेविंग करते हैं ताकि उनको IPL देखना होता है, हॉटस्टार पे वो IPL लोग देखते हैं। तो फ्रेंड, ऐसा मुझे लगता है कि एक ये भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि आजकल YouTube वीडियोस पर काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं, ये IPL स्टार्ट होने से पहले ज़्यादा व्यूज़ आते थे, लेकिन जब से ये IPL स्टार्ट हुए हैं तब से व्यूज़ थोड़े कम जरूर हो गए हैं। लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, जो आपके सब्सक्राइबर का आपके साथ प्यार है, वो ऐसे ही बरकरार रहेगा, जब भी उनको टाइम मिलेगा वो आपकी YouTube वीडियोस ज़रूर देखेंगे, और जब भी IPL ख़त्म हो जाएंगे तो वैसे ही इसका सिलसिला जो है वो फिर व्यूज़ का ऐसे ही चलता रहेगा। आप अच्छा अच्छा कंटेंट बनाइए, उसको अपलोड कीजिए, आप वैल्यूएबल कंटेंट बना के अपलोड कीजिए, तो डेफिनेटली आपका चैनल जो है वो बूस्ट भी होगा और आपका चैनल जो है ग्रो भी होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, यही थी एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बतानी थी, यही थी एक जानकारी जो हमारे सब्सक्राइबर रमन कुमार ने हमसे पूछा था। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ, और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।